मैं आने वाले बार कक्षा 2A की ओर से अपने साथियों के साथ आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जैसे को तैसा। एक जंगल में भैंस और घोड़े की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। दोनों ही एक दूसरे की खूबी और कमी को अच्छे से जानते थे और उसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता भी करते थे। और दोस्त कैसे हो? तो मैं ठीक हूँ गोरे भाई, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चलो घास चढ़ने चलते हैं। हाँ चलो चलो। दोनों साथ साथ घास चढ़ते थे और एक ही रास्ते से जाकर एक ही झरने का पानी पीते थे। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों आपस में लड़ पड़े। बाबा कितने अच्छे मशरूम है, मन कर रहा है खा के खा लूं। मन तो मेरा भी कर रहा है। यहाँ पर दो है, एक तुम खा लो एक मैं खा लेता हूँ। नहीं ये दोनों मशरूम तो मैं ही खाऊंगा। अरे यहाँ पर दो है, एक तुम खा लो एक मैं खा लेता हूँ। ये तो घोड़े ने जब देखा कि वो तो भैंस से जीत ही नहीं सकता, तब वे वहां से भागा। हा, 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 देखा कैसे डर के भाग गया। और वह मनुष्य के पास पहुंचा जो पार्क में टहल रहा था और उससे अपनी सहायता की प्रार्थना की। और मनुष्य कैसे हो? तो मैं तो ठीक हूँ। मैंने सुना है तुम बहुत बीमार हो। घोड़े की बात मान ली और भैंस को बांधने के लिए वे दोनों चल पड़े। चलो ठीक है। किसी के प्रति बुरा षड्यंत्र न रचें।